हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे रसमलाई, वो भी ब्रेड से। तो बनाना बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है और बिल्कुल मार्केट जैसी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं ब्रेड की रसमलाई। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमें ब्रेड रसमलाई बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर लिया है आधी कटोरी चीनी, बादाम, काजू, और यहाँ पर हमने लिया है पिस्ता, और यहाँ पर हमने लिया है ये केसर के धागे, और यहाँ पर हमने चार पांच ब्रेड ले लिए हैं। ब्रेड ब्राउन कलर के हैं, अगर आप व्हाइट कलर के ब्रेड लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं रसमलाई। तो फ्रेंड्स, मैंने गैस पर एक पैन रख दिया है। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ दूध। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 1 लीटर दूध लिया है जिसको मैं इस पैन के अंदर डाल रही हूँ। अब दूध को हम गैस के फुल फ्लेम पे ही चलने देंगे और इसको हम अच्छे से हिलाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारे दूध में उबाल आ गया है और दूध में ये देखिए आसपास से मलाई आने लगी है। तो हमें मलाई को नहीं आने देना है, हमें बस दूध उबलने आए तो इस तरीके से हमें इसको मिक्स करते रहना है। जब तक हमारा दूध अच्छे से गाढ़ा गाढ़ा होगा तब तक हम इसको ऐसे ही हिलाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर दूध को इस तरीके से हिलाते ही रहेंगे। यहाँ पर हमें दूध को इस तरीके से करना है, जैसे हमने 1 लीटर दूध लिया है तो हमें यहाँ पर इसका चौथा भाग करना है, हमें इसको पाव भर के लगभग करना है। तो हम इस तरीके से दूध को हिलाते ही रहेंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा दूध ले लेती हूँ। ये मैंने केसर के कुछ धागे लिए हैं, इसके अंदर मैं दूध ले लेती हूँ और इसको थोड़ी देर रख देती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी रबड़ी बनने लगी है और इस तरीके से हमारा दूध भी गाढ़ा होने लगा है। तो यहाँ पर मैंने जो केसर के धागे भिगो के रखे थे ना दूध में, मैं वही बस इसमें डाल रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है और इसको मैं थोड़ा और बॉईल होने देती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी रबड़ी बन चुके है। तो अब मैं यहाँ पर इसमें डाल रही हूँ चीनी। तो फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ बादाम। तो ये बादाम मैं यहाँ पर थोड़े डालूंगी, थोड़े बचा के रखूंगी क्योंकि हमें गार्निश के लिए भी चाहिए। अब डाल रही हूँ काजू और अब पिस्ता। सभी चीजों को मैं थोड़ा थोड़ा बचा के रखूंगी ताकि हम गार्निश के लिए गार्निश में चाहिए। तो मैं इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक ब्रेड ले लिया है। अब हम इस ब्रेड के स्लाइस बनाएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए मेरे पास एक ग्लास है, तो मैं इस ग्लास से इसके स्लाइस बनाऊंगी। अगर आपके पास कटर है तो आप कटर से भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हम सारे स्लाइसेस को निकाल देंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए हमने इस तरीके के ब्रेड के स्लाइसेस काट लिए हैं और यहाँ पर हम मलाई को थोड़ा ठंडा होने देते हैं, फिर हम एक प्लेट में इसको सर्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक सर्विंग प्लेट ले ली है। तो यहाँ पर मैंने स्लाइसेस रख लिए हैं। तो अब मैं यहाँ पर इस पर मलाई डाल रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने मलाई लगा दी है। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ बादाम, यहाँ डाल रही हूँ मैं काजू, यहाँ पर मैं डाल रही हूँ पिस्ता, यहाँ पर मैं डाल रही हूँ केसर के थोड़े से धागे। तो फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।